जल्दी आ जाएगा टाइम पे तो भाई साहब इतना अच्छा वकील हो, इतना हैंडसम वकील हो तो मेरा केस तो जितना ही जितना है, बस मुझे जज है ना फीमेल मिले। नहीं जज कोई भी हो, इंसाफ तो मिलेगा बिल्कुल। थोड़ा सा पीछे नहीं। हाँ जी हाँ जी, अजय चलिए अपना एक एक करके सवाल पूछिए। राखी जी क्या कहना चाहोगे आज के दिन, लगातार आपके ऊपर FIR दर्ज होती जा रही है, क्या कहना चाहोगे आप? मैं आप लोगों को सवाल पूछता हूँ, कौन सा FIR दर्ज हुआ है? ठीक है, अगर दर्ज हुआ तो सेक्शन कौन सा आप लोग बताइए। सेक्शन जहाँ तक मेरा भी एक FIR का देखा, सेक्शन 509 है, और जिस इंसान ने FIR किया हुआ है वो इंसान बोलता है कि गारंटी वो जेल में डाल के दिखाएगी या दिखाएगा या जो भी है। तो मैं एक चैलेंज देता हूँ, 509 सेक्शन IPC के FIR में कौन जेल जाता है, प्लीज आप समझाइए मुझे। और सुनो, गौर से सुनो, ये लोग ने मेरे पे कंप्लेंट करी है, गौर से सुनो मेरे वकील साहब की जुबानी, बोलो सर। सेक्शन 509 IPC का जब FIR होता है वो FIR होता है बेलेबल, ये मैंने ये कानून अंडर 3 साल का वो FIR में दर्ज हुआ है और नॉन बेलेबल है, बेलेबल है, सॉरी बेलेबल ऑफेंस है, बेलेबल है। पहली बात तो ये ऑफेंस सच में हुआ है नहीं हुआ है, अभी फिलहाल FIR है। पहले बात मैं कहना चाहती हूँ उसको, बगैर नाम लिए हम किसी का नाम नहीं लेते, सुन तेरे में दम है ना, राखी सावंत को जेल में डाल के दिखा तेरी ये धारा ऊपर, am I right? बिल्कुल, definitely. डाल के दिखा जेल में। तो आप ये डायरेक्टली कह रहे क्योंकि ये स्टोरी मैंने ही ब्रेक की है, और तेरे पास काम है क्या कोई? तो स्टोरी ब्रेक करेगा। मैंने स्टोरी ब्रेक की है, मैंने स्टोरी ब्रेक की और राशि मोरे ने फाइल किया। मैं आपको पूछता हूं आपने स्टोरी ब्रेक की क्यों किया, क्यों ऐसे लोगों की स्टोरी ब्रेक भी कर? जाके आराम से सोया कर, और भी काम है दुनिया में, और भी प्रॉब्लम्स है लोगों की, वो कवर कर भाई। ये जो फालतू गिरी है ना इनको, आपको मालूम है 4 साल क्या कर रही थी वो? मैं देश की जनता को पूछना चाह रही हूँ वकील साहब, 4 साल क्या कर रही थी और लॉ क्या है, लॉ क्या है बताइए कि 1 साल के अंदर अगर मैंने गलत बोला है तो 1 साल के अंदर अलाउड है ना केस करने का? कौन सी पुलिस ऐसी खाली बैठी है जो 4 साल के बाद केस ले रही है? मैं एक बात उठा रहा हूँ, सेक्शन 509 का मतलब होता है आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमन। आउटरेजिंग मॉडेस्टी मतलब एक तरीके से किसी के कैरेक्टर पर सवाल उठाना या किसी को, किसी औरत के बारे में कुछ अपशब्द बात वगैरह करना, ये सेक्शन 509 बोलता है। अगर उन्होंने जिस किसी ने भी ये 509 का FIR किया हुआ है, क्या उस इंसान ने राखी का कैरेक्टर असैसिनेट नहीं किया? क्या उन्होंने इनकी आउटरेज मॉडेस्टी नहीं की? जाके यूट्यूब में देखो इनके वीडियो, और बहुत जल्दी मेरा ये हैंडसम एडवोकेट है ना ब्रेकिंग न्यूज देगा। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतना हैंडसम एडवोकेट क्यों रखा है? क्योंकि मुझे सारे केस जीतने हैं, समझे कासिम जी? कंटिन्यू। आदिल से हैंडसम है ये ज्यादा। थाउजेंड टाइम इनका चरित्र 1000% है, बहुत अच्छा, और मेरा एडवोकेट दी बेस्ट है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही 100 बात की एक बात है कि FIR करना ये सब चीजें जो है ठीक है, हर किसी के पास संविधान का राइट है, लेकिन आप FIR जब करते हो या कोई भी केस करते हो तो आपको भी देखना पड़ता है कि क्या आप खुद साइलेंट थे उनके ऑपोजिट पार्टी के बारे में, आप खुद उनके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो। आप अब बुरी क्या क्या नहीं बोला मेरे लिए, रोज बोला जा रहा है, इंस्टाग्राम पे डाला जा रहा है, स्टोरी पे डाला जा रहा है, अरे ऐसा 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 करके डायलॉग बोल रही है। अरे भाई तू ऐसे ऐसे फिल्मों में जाके ऑडिशन दे, कुछ सीरीज मिल जाएगा। पुलिस स्टेशन के बाहर आके नींद से उठ के खड़े हो जाते हैं और ऐसे ऐसे वो भी नहीं मिलेगा। वाह वाह, मीडिया ने बोल दिया वो भी नहीं मिलेगा। आप लोग मुझे एक बात बताइए, लगभग अभी 2 हफ्ता या 3 हफ्ता हो चुका है, क्या राखी ने एक भी बार किसी का नाम लिया या किसी के बारे में कुछ बात किया या कुछ भी? आज ये मजबूरी में बिना नाम लिए भी इसलिए खड़ी है क्योंकि ये भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि इनका नाम ही मत लो, इनका नाम लो ही मत, क्योंकि ये लोग जो एक्शन में आ रहे हैं, चिपड़े लोग हैं, बहुत चिपड़े हैं, 4-5 साल के बाद जो एक्शन में आ रहे हैं ये क्यों एक्शन में आ रहे हैं आप लोग समझिए। अब जैसे कि भाई साहब ने बताया कि इन्होंने ब्रेक किया तो यही तो चाहते हैं कि ब्रेक करे कोई। देवीश्री आपको अगर एक्टिंग का इतना ही भूत चढ़ा है जाके फिल्मों में ऑडिशन दीजिए, आपको कोई काम मिल जाएगा। मेरे नाम की पब्लिसिटी मत खाइए, और मेरे ये जो एडवोकेट है ना बहुत ऊंचे हैं, ऊंचे बहुत बड़े एडवोकेट है, इनको और भी कोर्टों में काम है। तुम फालतू की चीजें जो पुलिस स्टेशन में जा रहे हो ना, क्या बोलते हो सर, उनका नाम क्यों खराब कर रहे हैं पुलिस स्टेशन वालों का? परेशान हो गए। पहले मेरी माँ रोज आके सुबह इधर मुंह धोए बगैर मुंह से बात आती है, इधर आके सुबह से बैठ जाती है। लाके का केस ले लो, लाके
का टैक्स ले लो। पुलिस स्टेशन वाले बेचारे थक गए, इतने पैसे ऑफर कर रहे पुलिस वालों को, 50,000 1,00,000 2,00,000 वो ऑफर करे, लेकिन हमारे पुलिस बहुत ईमानदार है। मैं कहती हूँ हमारे ईमानदार पुलिस को, मुंबई को, मुंबई की खा लो पैसा और केस मत लेना। नहीं 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 राखी जी, आपने बहुत बड़ी बात की है कि पैसे कौन दे रहा है बताइए। नाम क्यों लूं, तेरे जैसे वेल्दी थोड़ी हूँ मैं। अभी मुझे नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं, आपको किसने बताया कि मुंबई पुलिस पैसे ले रही है? मैंने कहा मुझे देखो केस बनता ही नहीं है, 4 साल के बाद कोई केस नहीं बनता। अभी इतने केस पेंडिंग है हमारे देश में, इतना प्रताड़ित लोग है यहाँ पर, ये लोग रोज पुलिस को फोर्स करते, ऊपर से फोन कराते, नीचे से फोन कराते, यहाँ वहाँ से फोन करा के पैकेट दिखाते, केस ले लो, राखी का केस ले लो, इसको हमको जेल में डालना है। जरा सर बोलना क्या मैं जेल जाऊंगी? सर सर चुप, सर जरा बोलना क्या मैं जेल जाऊंगी? ये धारा हो यहाँ पे आज जितने, अरे तुम लोग ज्यादा ही बोल रहे हो, तुम लोग चुप बैठो, चुप रहो, सवाल कर हम चुप रहो। जहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं आप लोग मुझे बताइए कि जब FIR सेक्शन 509 का होता है तो FIR के बाद इमीडिएटली कभी कोई जेल गया है क्या? सिर्फ सेक्शन 509 के अंदर, क्योंकि बाकी जो भी सेक्शन 500 लगे हैं, 323 लगे हैं, इस पे NCO, सिर्फ सेक्शन 509 पे जो है वो उसके बेसिस पे FIR हुआ है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि कानून ने ये अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, कानून है कि 509 के अंदर कोई अगर अरेस्ट होता है तो उसको जेल में नहीं डाल सकते हैं, उसको घर पे भिजवाना पड़ेगा। सर सर और मुझे तो सर 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 उदित नारायण चुप बैठ, सर 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 सुनो मेरी बात, ये जो धारा है ना बिना मतलब की है, पुलिस का टाइम वेस्ट मत करो, प्लीज लेट देम वर्क फॉर सीरियस मैटर्स। क्या इंग्लिश बोली ना, बहुत और सुनो, एडवोकेट के साथ रहकर इंग्लिश सीख गई हूँ मैं, और ये मुझे वो ड्राफ्टिंग, वो खुद ड्राफ्टिंग भी करती है अभी। Yes. वो खुद अपना पूरा ड्राफ्ट करके चेक करके क्रॉस चेक करके बोलती नहीं ये भी चीज डालो और ये भी डालो, तो अभी वो एक्चुअली एडवोकेट एक तरीके से वो पूरी एक लॉयर बन चुकी है अभी। 5 साल का कोर्स लिया है मैंने, लेकिन आप मुझे जो लॉ है 1 साल में सिखा दो सर। 1 साल के बाद मैं तुम सब का केस लड़ूंगी, एडवोकेट बन जाऊंगी। सर आपने जो मैम ने जो कहा है कि पैकेट देते हो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मतलब पैकेट दे रही है कौन? हमारे मेरे एडवोकेट के मुंह में शब्द मत डाल, शब्द मत डाल फालतू के। आपने ऑफर करते ऑफर वो लोग, हाँ वही तो हमारी मुंबई पुलिस बिकती नहीं है ऐसे नलियों के सामने, इन नलियों को गलियों दिखा देगी, गलियां दिखा देगी। ओके ओके, एक लास्ट खाली बात बोलना चाहूंगा। हाँ बोलो। अगर 509 किसी को लगाना है या जो भी लगाता है, जो लोग बोलते हैं कि हमारी आउटरेज हुई है मोडस, तो अगर आपको लगता है तो आप अगर FIR करते भी हो तो आप पहले तो मुंह पर ताला लगाइए, और दूसरी औरत के बारे में आप अपशब्द बात मत कीजिए, उससे आपका केस खराब होता है, आपने अपना केस खराब कर दिया। खराब कर दिया? देखो मैं आज तुम लोग के सामने आने वाली नहीं थी, लेकिन मुझे मजबूरी में आना पड़ा है कि ऐसे लोगों को जवाब देना जरूरी है, सही बात है ना? सही बात है। अरबी डंके की चोट पे, सही बात है। राखी सावंत जेल जाएगी नहीं, तुम लोग जाओगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, कि मेरे पास कौन है, कौन है मेरे पास? हैंडसम डूड। ओके ओके थैंक यू, ओके बाय। अरे रुकिए रुकिए, फेमस क्या हो गया, वो पहले से फेमस है। अभी बहुत ज्यादा ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है, रुको रुको रुको, धन्यवाद। अच्छा सुनो ना, विद इन अ वीक अपना वाला है ना, बहुत से एक बड़ी न्यूज भी आने वाली है, बहुत जल्दी, रुको रुको, बहुत इनको खुजली हो रही है ना अंदर जाने की। बाय बाय, वेट वेट वेट, ए ए राखी जी, कहाँ थे आप?